राव ना भाई जी, भैया ने तो 88वां क्वेश्चन कराना था मैंने आज आज कंप्लीट करा दूंगा। दो वीडियो डालूंगा इसकी, कंप्लीट हो जाए चैप्टर एचसीएफ एलसीएम का पूरा। तो पूरी देखना वीडियो, स्कीप ना करा करो बीच में, पूरी पूरी दिखा यार वीडियो। तो 88वां, 79वां, 88 और 89वां क्वेश्चन देखना एक बार। क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है। अ शॉपकीपर बोट सम पेन्स फॉर रुपीज 240 एंड सम पेन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 135। फाइंड द नंबर ऑफ पेंट्स विद लेफ्ट विद ही। अब तो मैंने भाई यार थर ते बतानी थी ट्रिक। कई बार का ने पूछा था भाई कि एच सी एफ और एल सी एम कैसे पता लगा भाई किस में निकालना है। तो एक तो बात होया करे कि भाई एक तो मेन तो है चीज़ भाई, हम ऑप्शन देख कर, अगर ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास छोटे छोटे, ऑप्शन छोटे और छोटे आ रहे हैं मतलब हमने निकालना है एच सी एफ, एच सी एफ निकल गया होगा आंसर। अगर ऑप्शन आ रहे हैं बड़े बड़े तो हमारा क्वेश्चन होगा एलसीएम निकल गए। ये जब मैंने पिछले जितने वीडियो कराई ना उसमें तुम चेक करके देख लियो, जिसमें भी ऑप्शन बड़ा है ना, और नहीं तुमने सोल्व कर लियो पिछले ऑप्शन जिसमें भी बड़ा है तो उसमें एलसीएम निकाल रखा है, और ऑप्शन जिस जिसमें छोटे दे रखे मतलब जैसे 7 9 इनमें एचसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर बोट सम पेन फॉर रुपीज 240 एंड सम पेन एट द कॉस्ट प्राइस फॉर रुपीज 135। फाइंड द नंबर ऑफ पेन वी लेफ्ट विद हिम। 240 और 135 का निकालेंगे भैया हम एलसीएम। तो क्या होगा, 240 का 135 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि मैंने आया करके दिखा रखी है। 135 एक ना करेंगे 135, 105 बच जाएगा, फिर ये 135 अंदर आ जाएगा, एक पर फिर जाओगा 30 बच जाएगा, 105 अंदर आ जाएगा, फिर 3 पर जाओगा 90 आ जाएगा, फिर 15 बच जाएगा, फिर 30 आएगा, 15 दूनी 30, तो इनका दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 15। तो हम की 15 हो गया इसका रेट। ठीक है, तो पहले खरीदे 240 पेन, 240 खरीद लिए, एक का रेट है 15, तो कितने खरीदे 15 ना 240, 240 से 15 भाग कर देंगे आ जाएगा 16। ठीक है भाई, और फिर 135, तो 135 पेन है, एक का रेट है 15, तो 15 फिर भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 9। तो पहले 16 पेन और फिर 9 पेन, तो इनका डिफरेंस पूछ रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 7। भाई हमारे पास पीछे ऑप्शन में दे रखा है गलत, 9 बता रखा है मेरे ख्याल में, लेकिन इसका आंसर है 7 ऑप्शन में, ये सर ने भी वही बताया सेंटर पर। तो 88वें का क्वेश्चन ए है इसका आंसर, तो 16 में तो 9 जाओगे 7। अगला ही बिल्कुल सेम, देखो ऑप्शन छोटे हैं तो मतलब निकालना मैंने ऐसे। अ शॉपकीपर बोट सम पेन फॉर रुपीज 320 एंड सम पेन एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 120। फाइंड द नंबर ऑफ पेन लेफ्ट विद हिम। 89th देख ले, 320 दे रखे और 120 दे रखे, तो इनका एच सी एफ निकालेंगे आ जाए हमारा भाग विधि है 40। ठीक है, 40 एच सी एफ आने के बाद 40 23 ने 320 ने डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 8, और 120 ने फिर 40 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 3। तो 8 में 3 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास आंसर, जो कि है हमारे पास 5, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। ठीक है भाई, उसके बाद क्वेश्चन देख रहा अगला। फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 48 60 एंड 64। 48 60 64 आंसर देखो बढ़ा रहा है, आंसर बढ़ा रहा है तो मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। 90 का सी है वैसे आंसर, तो एलसीएम निकालो 48 का, 60 का और 64 का। तो 48 60 64 का एलसीएम निकालोगे, ये आ गई इसकी विधि। 2 पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ये जो जितने ही बच गए इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हमारे पास 960। तो हमने कोई भी इन्हें कह रखा है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ट्रिपल लाइन मतलब डबल लाइन डबल लाइन, 9999। तो 900 तो 960 से डिवाइड करते हैं, 960 तो एक पे जाओगे 960, फिर बच गया 399। जो 399 बच गया भाई, वो अब इसमें जो नंबर है ये ऊपर वाला, इसमें तो हम इसने कर देंगे घटा, तो ट्रिपल लाइन डबल लाइन डबल लाइन में 399 घटता है, आंसर आ जाए हमारे पास 9600। ठीक है, 9600 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 399 आया रिमाइंडर, वो रिमाइंडर घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9600। ये पहले भी आए थे क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही बताए थे भाई, फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, वो सर ने बताया ऑर्डर में अरेंज नहीं है ये, तो ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। तो फिर दिखा लो ये भागा, फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16 24 36 एंड 54। वो एलसीएम निकालना हमने भाई, फिर दोबारा 16 24 36 एंड 54 एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 432। जिन्हें ना आवे तो देख लेना, ये वो निकाल के दिखा रखा है, 432 आ जाएगा एलसीएम। 432 ना हम करेंगे कितने की संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट दे कह रहे हैं, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट, तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट क्या होगी, एक के पीछे 4 0, तो वो कर देंगे हम 432 से मल्टीप्लाई, 432 से डिवाइड, डिवाइड करेंगे पहला दो जाओ तो दो होगा 2 पे, तो 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। उसके बाद जाओ बच जाएगा 1336, फिर 10 ऊपर तो कैरी कर लेंगे आ जाएगा, फिर
फिर जावा 432 3 पे 1296 बच जगह 64। तो भाई देखो तुमने कई बार नोट कराया होगा यह चीज़, तो या जो बात बताऊंगा मैं या किसी बंदे ने अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बता रखा, मैंने सारा यूट्यूब छान मारा यह बात नहीं बता रखी किसी ने भी। यह बात सुन लियो भाई यार, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लियो यह बात। तो जैसे भी ये क्वेश्चन आ गया ना स्मॉलेस्ट 5 डिजिट वाला, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो जिसमें रिमाइंडर आता है ना वो हमने माइनस नहीं करना है, जो 432 का 64 का रिमाइंडर होगा ना वो हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने 5 डिजिट का इसमें माइनस कर दिया तो वो हो जाएगा 999, 900 के नीचे चले जाए, तो 4 डिजिट का मतलब तो मतलब इसमें हमने ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई अब समझे तुम क्या करना है, 432 और 64 का जो डिफरेंस आगा वो हमने ऐड करना है, जो कि आगा हमारे पास 368। तो हम 432 में 64 का हटाओगे तो आ जाएगा 368, और वो एक यो अपना एक और पीछे 4 0 इसमें करना ऐड, तो ये आगा 10368 आगा इसका आंसर। यह बात भाई नोट कर लियो कॉपी में, इसका कोई रीजन नहीं पेरा लग गया। अगर तुम छोटी डिजिट लेके देखोगे ना उसमें तुमने पता लग जाए, अपने आप ट्राई करके देखना कि भाई जब भी आ जाए स्मॉलेस्ट आ जाए ना फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, आगे जैसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट आया, ग्रेटेस्ट में तो हमने न्यू का न्यू रिमाइंडर माइनस करना है, आगे फिर स्मॉलेस्ट आ गया ना इसमें फिर दिखाऊंगा मैं तुम 93 क्वेश्चन में देखना दोबारा। तो स्मॉलेस्ट वाला आ गया तो मैंने बताया तरह जो रिमाइंडर आगा उसमें तो यो वाला माइनस करके और वो ऐड करना हमने। ठीक है भाई तो यह आधी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने सारी यूट्यूब चैनल पर देखी लेकिन आई नहीं, मैंने अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वैल्यू ली है 3 4, फिर उसके बाद ये निचोड़ लिखा है कि भाई इसमें स्मॉलेस्ट दे दिया तो हमने यो इसमें तो इसमें तो माइनस करके लिखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखना एक बार न्यू है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वेंट डिवाइडेड बाय 12 18 21 एंड 28, वो है एलसीएम लेना हमने 92 का। तो बना क्वेश्चन 12 18 21 एंड 28 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 252। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कह रखा है, 4 डिजिट ले रहे ग्रेटेस्ट कह रखा है तो हमने लेना है इसका रिमाइंडर है। ठीक है तो 252 जाएगा 3 पर 756, ये हो जाएगा 243, फिर 9 ऊपर तक हम कैरी कर लेंगे 2439 आ जाएगा, फिर यो कितने पे जाओ फिर यो देख लेना 252 जाओगा मेरे ख्याल, फिर 8 8 पे जाओगा भाई 2268 आ जाएगा, 2268 आने के बाद यो मेरे ख्याल हाँ 9 पे जाएगा भाई, यो 9 पे जाने के 9 पे जाएगा यो 252 9 तक गुणा कर दो 2268 और जो इसमें तो फिर माइनस करोगे वह होगा 171। तो ग्रेटेस्ट वाला से है यो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना, उसमें हमने बस ये रिमाइंडर है इसमें तो माइनस करना, रिमाइंडर माइनस कर देंगे यो आ जाएगा। और उसने लास्ट में देखो क्या बात कही है, लीव्स रिमाइंडर 3, मतलब 3 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 3 रिमाइंडर हम इसमें ऐड कर देंगे, अगर रिमाइंडर हम कोई भी जो भी हमने बचाना वो हमने ऐड कर देना है वो इसमें तो बच जाए, तो 9831 आ गया इसका आंसर भाई। ठीक है देखो अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट आ गया ना तो मैंने तरह बताई है वो विच डिवाइडेड बाई 12 18 24 एंड 32, लीव रिमाइंडर 3, रिमाइंडर हम बाद में कर लेंगे ऐड उड इसमें, तो पहले लिखा था हमने 12 18 24 और 32 का एलसीएम, तो 12 18 24 32 का एलसीएम आ जाएगा 288 हमारे पास, देख लेना मन करके दिखा रखा है। तो 288 आने के बाद 4 डिजिट के क्या रखा देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, क्या हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1000, तो 268 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाओगे 864 और बच जाएगा 136। देखो मैंने बताया स्मॉलेस्ट वाले में करना इसमें माइनस, तुमने करके ये दोनों में घटाओगे तो आंसर आओगे 152, ये 152 इसमें करना ऐड और फिर रिमाइंडर जोड़ना, और रिमाइंडर का भी ध्यान रखना हमेशा जोड़ना है अगर भाई। ठीक है तो 1152 और जमा में रिमाइंडर जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 3 और 2 5, ये 5 आएगा और 11 का आ गया नीचे ही। ठीक है भाई तो ये थे क्वेश्चन 93 तक, एक बार अगला अगर देख लो 94, उसके बाद अलग टाइप स्टार्ट हो जाएगी। ये 94 और देख लो एक बार, 94 में क्या करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 4 एंड 5, वो है भाई देखो बिल्कुल सेम, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बता रखा है, ऑप्शन देखो बड़े हैं, इसका मतलब लेना हमने एलसीएम 3 4 और 5 का लेंगे हम एलसीएम, 3 4 5 का एलसीएम आवा 60, 100 3 डिजिट का कोई भी बड़ा नंबर की होगा 100, तो 8 9 100 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 40, तो स्मॉलेस्ट का रखा है देखो स्मॉलेस्ट का दिया था हमने 60 में 40 घटाना है 20 आ जाएगा, और फिर वो 100 में जोड़ देना तो 120 आ जाएगा। ठीक है भाई यो तो इसका तरीका बहुत बढ़िया डाल, ये चीज़ ध्यान तक कर लियो भाई 94, ये अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो हमने HCF LCM के CGL लेवल तक, ये क्वेश्चन आवा CGL लेवल तक तय कह रहा हूँ मैं, और जितनी भी वीडियो है ना बढ़िया डाल देख लो भाई, बेसिक अच्छी डाल कर लो इसका जो मैंने वीडियो बनाई है, और ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे कर लेना,
थारा बहुत बढ़िया डायलॉग हो जाएगा अच्छे फ्रेल चिमक लाई। तो लास्ट में यो करूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई और शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या होगा जी, इतने ही बंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे भाई अपने साथ, उतने ज़्यादा व्यू आओगे, उतनी ज़्यादा वीडियो फैल सकेगी और उतने भैया की मदद हो सकेगी। तो सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो और लाइक भी जरूर कर दिया करो यार। देखो तो कोई इतनी मेहनत करा भाई तो थोड़ा बहुत बनता है। और कोई भी प्रॉब्लम लगी तो कमेंट बॉक्स में डाल दियो, मैं आगे बता दूंगा। यो आज कंप्लीट करा दूंगा, अगले कल तक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बढ़िया वाला और बढ़िया तरीका करेंगे। धन्यवाद।